यही दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 7। और आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ऑन ए सम ऑफ ₹2800 इज 420। यानी कि 3 साल में 2800 रुपये पे हमारे को इतना ब्याज मिलता है, तो बताओ 3200 रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा सेम पीरियड में। तो देखो सिंपल सी बात होती है, इसमें कोई रेट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं होती। आपको ये कह रखा है कि अगर आप 2800 रुपये बैंक में जमा कराओगे ना, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 420 रुपीज़। तो कहता है बताओ 3200 जमा कराओगे तो कितना मिलेगा। यानी कि ये यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन हो गया कि 2800 पेन इतने रुपए के आते हैं, तो 3200 पेन कितने के आएंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है, पैसा अगर आप ज़्यादा जमा कराओगे तो इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो बस इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। 7 6 6 8 48, यानी कि 480 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसमें कह रखा है, ये भी सेम क्वेश्चन है वैसा ही सेम, 8400 आप बैंक में जमा कराते हो ना, तो इस रेट से पैसा जो है ना सर्टेन टाइम में इतना बन जाता है। तो बताओ 9600 अगर जमा कराओगे तो उसी रेट से उतने टाइम में कितना बन जाएगा। तो आपको ये जो रेट परसेंट गिवन है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे को पिछले क्वेश्चन में हमने रेट से कोई लेना देना थोड़ा था अपने को। मैं ये कहता हूँ अगर 8400 रुपीज़ मैं जमा कराऊँ बैंक में, ये क्या है मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, तो मुझे पैसा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है बताओ। इसमें से ये माइनस करो तो कितना होएगा, 2646 रुपये मिलता है। तो बताओ अगर मैं इसकी जगह अगर 9600 पैसा जमा कराऊं तो मेरे को ब्याज कितना मिलेगा, यही तो पूछा है आपसे। बस इसको 8400 से डिवाइड कर दो, 9600 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर कितना आ जाएगा। देखो 3024 आएगा, क्या 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 21 और 7 7 49 और 7 8 56, 8 8 64, लास्ट में 4 A के ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, ये आपका आएगा 3024 आंसर आ गया। तो इसमें रेट वगैरह से हमारे को कोई मतलब नहीं होता, देख लो सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन है ये। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, देखो एक मैन है ए, वो बोरो करता है 3000 रुपये अपने फ्रेंड बी से 31 दिसंबर 2011 को, उस कंडीशन पे कि वो 1 साल के बाद पैसा दे देगा सिंपल इंटरेस्ट 15% की रेट से। लेकिन इसने ये पैसे जो है ना, सॉरी, 31 दिसंबर 2012 को ही लौटा दिए, तो बताओ उसको अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। कहने का मतलब 31 दिसंबर 2011 को उसने पैसे उधार लिए थे, ये 31 अगस्त को, सॉरी, उसने क्या कर दिया, लौटा दिया, मतलब कि 8 महीने उसने अपने पैसे रखे, तो ब्याज भी कितने का मिलेगा, 8 महीने का ही मिलेगा। तो मेरे को बताओ अगर 12 महीने में, 12 मंथ के अंदर मैं बात करूं, अगर 15% ब्याज आपको देना पड़ता है, तो 8 महीने में कितना देना पड़ेगा, 15 को 12 से डिवाइड करके और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10%, 2/3 ब्याज देना पड़ेगा। तो 10% ब्याज देना पड़ेगा आपको 3000 रुपये पे, यानी कि ब्याज कितना हो गया बताओ, 300 रुपये। तो पैसा कितना वापस करना पड़ेगा आपको, 3300 रुपये वापस करना पड़ेगा। तो ओरल क्वेश्चन है, बच्चे देख के ही वैसे क्या है इतनी बड़ी स्टेटमेंट को घबरा जाते हैं। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, तो इक्वल अमाउंट्स अगर हम बैंक में जमा करवाएं, एक बैंक में 5 साल के लिए, एक बैंक में 3 साल के लिए। देखो यहाँ पे लिख लो टाइम और यहाँ पे लिख लो रेट, एक 5 साल के लिए, एक 3 साल के लिए। एक बैंक ब्याज देता है 7%, एक बैंक ब्याज देता है 9%। तो मेरे को यहाँ पे बता दो टोटल इंटरेस्ट इस बैंक से कितना मिलेगा आपको, 35%, और 9 3 27, इस बैंक से कितना मिलेगा, 27%। डिफरेंस इन देयर सिंपल इंटरेस्ट इज दिस, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड, यानी कि कितना पैसा आपने दोनों बैंकों में जमा करवाया, इक्वल इक्वल जमा करवाया है, तो ये डिफरेंस कितना है, 8% का। तो 8% की वैल्यू क्वेश्चन में है 475। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल, यानी कि 100% की वैल्यू 8 से डिवाइड करो और 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, आपका आंसर कितना आएगा, 5937.5 रुपीज़। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये सारे के सारे टीयर 2 के क्वेश्चन है आपके। ऐसा ही क्वेश्चन देखो ये है, अगर हम 10500 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं, तो वो इतने साल में इतने बन जाते हैं। आप बस मेरे को ये बता दो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 38 में से 5 के 33, 3325 रुपये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है इतने टाइम में। ठीक है, फिर कहता है कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, सेम सम है 5 साल के लिए एट डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट पहले की क्या होगी, डबल। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ अगर ये आपको ब्याज मिलता है कितने साल में, इतने साल में, यानी कि 19/5 में, 1 साल में इतना मिलेगा, 5 साल में कितना मिलेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर रेट सेम होती तो इतना ब्याज मिल गया, लेकिन रेट क्या कर दिया आपने, डबल। अगर रेट डबल होगी तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, डबल होएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। 19 पे काट दो, 19 7 133 और 19 5 95, और ये 25 मल्टीप्लाई होएगा, यानी कि 175 × 50, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8750। बिल्कुल आसान मेथड से मैं आपको इन क्वेश्चन को करा रहा हूँ, और ये सारे के सारे 2019 मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है।
मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि रेट वगैरह निकालने का इन क्वेश्चन में कोई काम नहीं होता। बेसिक फंडा ये है, अगर आप 1,000 रुपये जमा कराते हो 10% की रेट से और आपको ब्याज मिलता है मान लो 200 रुपये, टाइम का हमारे को कोई मतलब नहीं है, तो उतने ही टाइम में मैं कहता हूँ अगर आप 1,200 रुपये जमा कराओ और रेट 15% हो तो कितना ब्याज मिलेगा, ये पूछ रखा है आपसे, ठीक है। तो ये जो 200 रुपये ब्याज है ना, ये 1,000 रुपये मिलता है तो 1 रुपये पे इतना मिलेगा, तो 1,200 पे कितना मिलेगा ये, है ना। ये थी 10% की रेट, अब रेट होगी कितनी, 15%, यानी कि 1.5 टाइम्स होगी, यानी कि 3/2 टाइम्स, तो ब्याज भी कितना मिलेगा, 3/2 टाइम्स। मैं सिर्फ इस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है द अमाउंट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन 6 ईयर्स एट दिस रेट इज दिस। देखो 6 साल में 7.5% की दर से 45% तो क्या मिलेगा आपका, देखो सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया, ठीक है। और ये आपको क्या दे रखी है, अमाउंट दे रखी है, तो यानी कि ये 145% की वैल्यू है, 11,600। आपको पूछा है अमाउंट कितनी होएगी सेम सम पे 10% की रेट से 6 सालों में, ठीक है। तो ब्याज कितना मिल जाएगा, 60%, यानी कि आपसे 160% की वैल्यू पूछी है, फिर 145 की वैल्यू गिवन होके और आपको 160 की वैल्यू पूछ रही है, तो कितना मुश्किल काम है, बहुत आसान है ये तो। 29 की टेबल में मेरे को सीधा दिख रहा है ये 5 पे कट रहा है, ये 400 पे कट रहा है, ये 5 और ये कितने पे कटेगा आपका, 32। 32 को 4 से करोगे 128 और 2 जीरो लगा दो, बस 12,800 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये थे आज के लेक्चर के 6-7 बेहतरीन क्वेश्चन, जिसको हमने काफ़ी इजी अप्रोच के साथ सोल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।